हेलो फ्रेंड्स, मैं शिबा फ्रॉम शिबास किचन। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी रेसिपीज के लिए कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकॉन। साल में आपके लिए देसी घी बनाने का तरीका लेके आई हूँ, वो भी बटर से। घर में आप बहुत ही आसानी से बटर से देसी घी बना सकते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बटर। मैंने हाफ के जी बटर लिया है और उसको पीसेस में कट किया है। इलायची पाउडर, और मुझे इलायची चाहिए जिसको मैं साबुत डालूंगी या फिर इस तरीके से तोड़ के। तो चार इलायची आप ले लीजिएगा। बस उसके बाद बनाते हैं बटर। फिर हमने एक पैन के अंदर बटर को डाल दिया, और जो इलायची पाउडर था उसको भी हमने पैन के अंदर डाल दिया। फिर इसको लगातार हमें चलाते रहना है। जब आप कभी भी बटर या क्रीम से घी बना रहे हैं और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये बर्तन के पेंदे में लग जाता है, और घी जो होता है वो बहुत ही बदमज़ा जायके का बनता है। तो हम इसको लगातार चलाते रहें, और इसके अंदर छोटी इलायची ज़रूर ऐड करिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो मैंने अभी आपके सामने खोल के इस तरीके से छोटी इलायची के दाने डाले हैं। बनाना बहुत ही आसान होता है, और घर के घी की तो फिर बात ही ना पूछिए। हेल्दी भी होता है और प्योर भी होता है बाहर के मुकाबले। बस हमें इसको लगातार चलाते रहना है। देखिए, ये जो फेना फेना सा ऊपर आने लगा, इसका मतलब बटर पकना शुरू हो गया है। अभी इसकी रंगत भी बदलेगी, तो अब हमें ये समझ में आ जाता है कि घी बनने लगा। जैसे ये येलोइश कलर का दिख रहा है, ये भी एकदम चेंज हो जाएगा और घी के कलर में आ जाएगा। और जो इम्प्योरिटी होती है इसकी, या इसके अंदर कुछ भी मिलावट या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो घी नहीं है, वो अपने आप ही बर्तन के पेंदे में बैठ जाता है। इसको छोड़िए ना, कभी भी घी बनाने में लगातार चलाते रहिए। मैं फिर से बार बार इस चीज़ को आपको याद दिला रही हूँ, क्योंकि लोग करते क्या है, घी छोड़ के चले जाते हैं, जिसके वजह से घी जल जाता है। मैं आपको बलाई से भी घी बनाने का तरीका बताऊंगी। देखिए, जो ये झाग दिख रहा है इसको लगातार हटाते रहिएगा। उससे होगा ये कि जो घी होता है उसकी जो रंगत और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये गंदे घी होती है एक तरीके से, या जो इसके अंदर कुछ मिलावट होती है वो होता है। तो इसको हटाते रहना चाहिए, और लास्ट में ये एकदम क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद जब हमें ऐसा लगेगा कि रंगत पूरी तरीके से बदल चुकी है, वो घी की रंगत का हो रहा है, तो आप गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। अगर आप उससे ज़्यादा पकाएंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा और घी जो होगा वो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगेगा। तो चलिए, बस मैं गैस को ऑफ़ करती हूँ, और उसके बाद अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम छान के एक बर्तन में या जिस भी चीज में हमें इसे रखना है उसमें स्टोर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।